हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चेतना आज आपके सामने बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ। अगर आपके घर पे रोटियाँ बच जाएँ तो आप उसकी क्या रेसिपी बनाएं? तो चलिए आज मैं आपके सामने लेफ्ट ओवर चपाती रेसिपी बनाने जा रही हूँ, या बची हुई रोटी बोल सकते हैं उसे, बची रोटी का टेस्टी नाश्ता बोल सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, उसको कट कर लिया है, 3 प्याज लिए हैं, उसे इस शेप में कट कर लिया, आप चाहो तो दूसरी शेप में भी कट कर सकते हो, 2 मिर्ची कट कर ली है, टमाटर कट कर लिया मैंने, मसाले लिए हैं यहाँ पे, मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं यहाँ पे, आप चाहो तो जीरा भी ले सकते हो, हल्दी पाउडर ले लिया है, नमक ले लिया है, स्वाद के अनुसार नमक लेना है, लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है, गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया और आधी कटोरी दही। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन रोटियों के छोटे छोटे बाइट्स बना लेंगे। मैंने रोटियों को स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। मैंने एक पैन लिया है जिसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मस्टर्ड चीज़ डालेंगे। साथ ही प्याज भी डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है हाई कर रखा है इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमारे प्याज जो है हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, साथ ही इसमें हम ड्राई मसाले भी डाल देंगे। मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। साथ ही हम गर्म मसाला डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। आप गैस का फ्लेम लो करके और इन्हें 5 मिनट के धीमी आंच पर पकाएंगे, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से सिक जाएं या पक जाएं। कवर कर देंगे हम इसको। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए, हमारे आलू जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मिक्स करके इसे हम एक बार फिर से कवर करके रख देते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। दही ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो ना डालो। मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये जो रोटी है वो ग्रेवी बन जाएगी। तो बस 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला है। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। वापस इसे कवर करके रख देंगे। अब हम कवर हटा के इसको चेक कर लेते हैं। हमारी सारी जो वेजिटेबल है वो अच्छे से फ्राई हो गई है और पक चुकी है। अब हम इसमें जो रोटी थी उनको ऐड कर देंगे। आप चाहो तो रोटी की शेप छोटी भी कर सकते हो कट करके, या दूसरी स्लाइस में भी। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था इन्हें रोटियों को। तो चलिए, हमारी आज की नाश्ता टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती गार्निश करेंगे।
अगर आपके घर में रोटियां बच जाती है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए हम इसे सर्विंग प्लेट में भी निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।